ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि हमेशा से भारत पूरी दुनिया भर के लिए एक विश्व गुरु के तौर पर रहा है, लेकिन हमें बीच में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें दुनिया ने शायद इस बात को निग्लेक्ट किया। लेकिन अब समय है वापसी करने का, यानी कि दोबारा से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करने का। लेकिन जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एजुकेशन सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास तरीके के टॉपिक पर, जहां से आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म की। तो मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ मेडिकल टूरिज्म से ही रिलेटेड कुछ ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज, जिनके थ्रू आप एक सफल उद्यमी या फिर कहा जाए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मेडिकल टूरिज्म बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंटरनेशनल लेवल से पेशेंट्स ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर फॉर मेडिकल, कॉस्मेटिक एंड वेलनेस ट्रीटमेंट्स। अगर रीसेंट ईयर्स की कुछ रिपोर्ट्स को हम देखें तो इस समय इंडिया टॉप 6 मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशंस में शामिल है। पूरी दुनिया भर से लोग इंडिया में इलाज कराने आ रहे हैं। ये कुछ रिवर्स प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा होता था कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग मूव करते थे डेवलप्ड कंट्रीज की ओर, लेकिन अब ये हमें एक एडवर्स फॉर्म में देखने को मिल रहा है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से लोग डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम ट्रीटमेंट उन्हें लो प्राइसेस में या फिर कहा जाए कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जा रहे हैं, और अपना इंडिया यानी कि भारत उनमें से एक है। तो हमारे लिए भी बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इमर्ज होके आई हैं, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से। तो आपको बता दें, अगर ग्लोबल लेवल पे हम मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में ऑलरेडी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर एशिया और अफ्रीका से साल दर साल आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें mid-2020 की, तो आपने देखा होगा कि कोविड जब से आया तब से लोग अपनी हेल्थ को लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस होने लगे, और इंडिया ने जहां पर इतनी पॉपुलेशन है, कोविड को प्रिवेंट करने में, उसको रोकने में काफी इफेक्टिवली वर्क किया, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने कुछ नई थेरेपीज निकाल के सामने लाई, जिसकी वजह से इंडिया अब एक नए मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पे देखा जा रहा है। तो आपके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पेशेंट्स हर साल विजिट कर रहे हैं ओवरऑल 78 कंट्रीज से, जहां पर अगर हम बात करें खासकर वेलनेस ट्रीटमेंट्स के लिए, और स्पेशली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए मूवमेंट सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और वही आपके लिए एक नए बिजनेस आइडिया के तौर पे एस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं कुछ नए तरीके के बिजनेस आइडियाज रिलेटेड टू मेडिकल टूरिज्म। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। तो आज का नंबर 1 बिजनेस आइडिया है नेचुरोपैथी। आपने देखा होगा कोविड के बाद, वैसे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमारे सामने आया था, लेकिन कहा जाए मुखर तौर पे हमारे सामने एक डिजीज जो निकल के आई, लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लगी, या फिर कहा जाए अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा लोग कॉन्शियस होते गए, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आई, जिसकी वजह से नेचुरोपैथी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। यही कारण है कि विदेशों से लोग अब इंडिया में आ रहे हैं अपने नेचुरोपैथी या रिट्रीट ट्रीटमेंट्स के लिए, जहां पर बेसिकली आपको रिकनेक्ट किया जाता है आपसे, यानी कि इट इज फॉर रिकनेक्टिंग यू विद योरसेल्फ। यहां पे आपको रिवाइटलाइज किया जाता है, साथ ही साथ आपके माइंड को काफी रिफ्रेश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं, कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी दुर्घटना या घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, या फिर आपको अपने लिए जीना, या आपको लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो वापस से आपको हील कराने के लिए ऐसे नेचुरोपैथी के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं तो आप इन सर्विसेज को खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं थ्रू योर एजेंसीज। तो जहां पर अगर हम बात करें नेचुरोपैथी सेंटर्स की, तो आपको कई तरीके के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, जिनकी अकॉर्डिंगली ड्यूरेशंस होती हैं, वो लोगों को फॉलो करना पड़ता है, और ये आजकल इंडिया
इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को इससे काफी रिलैक्सेशन मिल रही है। जैसे कि होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, जहाँ पे आपके पूरे यानी संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। कई लोग वेट बैलेंस के लिए भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग रेडियंस रिचुअल्स के लिए भी ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग रिस्टोरेटिव फिजियोथेरेपी के लिए भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिटनेस चैलेंजेस के लिए, नेचुरल हीलिंग के लिए, सुपर इम्यूनिटी प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं नेचुरोपैथी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर द्वारा। तो आपके लिए भी मौका है कि इनसे रिलेटेड जो भी मार्केट है उसमें आप अपने लिए एक स्पेस ढूंढें, यानी कि आप लोगों को प्रोवाइड कराएं कि उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, उनकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके एरिया के अकॉर्डिंग, उनकी हीलिंग के अकॉर्डिंग या उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप उन्हें सही सजेशन दे सकते हैं, एक कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हैं, एक एजेंसी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया है जिसमें सक्सेसफुल होने का जो रेट है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नेचुरोपैथी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है आयुर्वेदा से। आयुर्वेद के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसकी जो जड़ें हैं या रूट्स हैं या ओरिजिन है, ये हमारे एंशियंट टाइम से हमारे साथ है। पूरे विश्व में हम इसके कहा जाए इन्वेंटर के तौर पे जाने जाते हैं। तो क्यों ना हम इसका पूरी तरीके से फायदा उठाएं, और साथ ही साथ जब लोगों की डिमांड बढ़ी रही है तो हम अपने लिए क्यों ना एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो चांस है उसे पूरी तरीके से अवेल करें। तो चाहे आपको अस्थमा हो, कैंसर हो, कार्डियक हो, डायबिटीज हो, ईयर नोज थ्रोट या फिर हाइपरटेंशन या किडनी रिलेटेड किसी भी तरीके के डिसीजेस हो, आयुर्वेद में लगभग हर चीज का इलाज अवेलेबल है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कई लोग अपनी वेबसाइट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ लोग जब सर्च करते हैं, जैसे कि सर्च बाय डॉक्टर, सर्च बाय पॉपुलैरिटी, सर्च बाय प्राइस, हाई टू लो, लो टू हाई, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे लोगों को काफी इजी हो जाता है अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स को फाइंड करना। तो आप आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर कहा जाए आयुर्वेदा से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, आप उन्हें अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस टाइप की एजेंसीज को या बिजनेस को स्टार्ट करना या सेटअप करना काफी ज्यादा आपके लिए इजी होने वाला है, और यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन ही आपके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी चीजें तो आती जाती रहती हैं लेकिन डिसीजेस का जो क्रम होता है वो कहीं ठहरने का नाम नहीं लेता, यानी कि आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बेहतर है अगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे देख रहे हैं। तो ये बिजनेस आइडिया आज ही ऑप्ट करिए, काफी इजीली आप या कहा जाए पार्ट टाइम में भी इन सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है योगा से। आपने देखा होगा कि वैसे तो इंटरनेशनल जो योगा डे मनाया जा रहा है वो इंडिया के ही रिकमेंडेशंस पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस समय इंटरनेशनली 21 जून को आप देख रहे होंगे पूरा वर्ल्ड योगा को फॉलो कर रहा है। तो मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करने वाला जो सेक्टर है वो है आपका योगा सेंटर्स। तो योगा सेंटर सर्विसेज आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें भी आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आप योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप योगा से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, आप योगा क्लासेस की पूरी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, जैसे कि हेल्थ योगा क्लासेस, पार योगा क्लासेस, कॉर्पोरेट योगा, प्रेगनेंसी योगा, किड्स योगा, डायनेमिक मेडिटेशन, इतने डिफरेंट काइंड ऑफ योगा क्लासेस हैं जिनके थ्रू आप अपना एक बेहतर करियर सेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और हेल्थ कॉन्शियस आजकल सभी हो चुके हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। और योगा प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, इस इंडस्ट्री में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा नेति पॉट वगैरह का यूज किया जाता है, सूत्र नेति का यूज किया जाता है, ट्रैक पैंट्स होती हैं, योगा मैट्स होते हैं, योगा ड्रेसेस होती हैं। तो इनके लिए भी आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में भी एक डिफरेंट से आपको आउटलेट्स देखते हैं, और वहां पर लोगों द्वारा खासा डिमांड होती है जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। तो जहां प्रॉफिट है वहां पे आपके लिए भी मौका है, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री का पार्ट आप भी बने। और साथ ही साथ आजकल सबसे ज्यादा कमी जो है वो योगा टीचर्स की है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, फिर वो टीचर्स अदर्स को या फिर कहा जाए जो अल्टीमेट यूजर्स हैं योगा के या जो लर्नर्स हैं
उनको वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप चाहे तो योगा टीचर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल ऑप्शंस हैं आपके पास। बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम बात करें चाहे नेचुरोपैथी की, योगा की, आयुर्वेद की, इसी तरीके से आपने सुना होगा यूनानी, सिद्ध, या फिर हम बात कर ले होम्योपैथिक की, तो आयुष मंत्रालय द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया कि 2020 से पहले भी ये मार्केट इंडिया में काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। इसका जो टोटल मार्केट साइज था वो लगभग 17 से 18 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर था, लेकिन उस रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किया गया था कि 2022 के एंड तक यही मार्केट आपका 23.3 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाने वाला है। तो अगर आप जैसे कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर आ जाएं, तो इस मार्केट साइज को और भी ज्यादा ग्रो कराया जा सकता है। तो जहां पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप, वहां पर आपके लिए एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज ही ऑप्ट करिए इन बिजनेस आइडियाज को, और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।